हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हमारे सामने टाटा टियागो, ये एक्सटी वेरिएंट है। आज हम बात करेंगे इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसके प्राइस एंड इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका एक्शन प्राइस है 6,40,000 रुपये और इसका ऑन रोड प्राइस है लगभग 7,40,000 रुपये इन दिल्ली। अभी इस प्राइस पॉइंट पे क्या फीचर्स ऑफर करती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप मिलेगी क्लिक कीज़ विद रिमोट फंक्शन। रिमोट फंक्शंस में आपको मिल जाते हैं लॉक, अनलॉक और फॉलो मी होम लैंप्स के बटन। इस बटन से आप इसकी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स ऑन कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया फीचर है, रात को गाड़ी ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये। यहाँ पे आपको फ्लिप की मिल जाएगी और दूसरी साइड आपको मिल जाएगा टाटा का लोगो। ये मैट फिनिश और क्रोम फिनिश में मिल जाती है। ये मैट फिनिश में दी गई इसकी वजह से आपको यहाँ पे, अरे बंद कर ले भाई, यहाँ पे ज़्यादा स्क्रैच लगने का खतरा बिल्कुल नहीं है। ये रोडवेज वाले और यार ये प्राइवेट वाले ही लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे दूसरी की आपको बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन में दी गई। इसके ऊपर आपको यहाँ पे किसी भी टाइप के फीचर्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ इसका मेन फंक्शन है गाड़ी खोलना और गाड़ी को ऑन करना। गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लीक और एग्रेसिव डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। ये हैचबैक और सेडान का डिज़ाइन यहाँ पे टाटा का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, स्लीक होता है इनका। और फ्रंट में हेडलैम्प्स की बात करें, हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर भेज दिए गए। इसके ऊपर आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है और नीचे आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलेगी। और जो यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया वो भी रिफ्लेक्टर भेज दी है। ग्रिल की बात करें, ग्रिल में आपको यहाँ पे ट्राइवर डिज़ाइन मिल जाएगा विद ग्लोज ब्लैक फिनिश। इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक स्ट्रिप भी दी गई है एंड नीचे आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल जाएगी। सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है और सेकंड ग्रिल यहाँ पे फिन लाइक स्ट्रक्चर में दी गई, बिल्कुल वाइड ओपन मिल जाती है। इसमें एयर फ्लो बिल्कुल सीधा ही अंदर जाने वाला है। और फ्रंट बम्पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश डिज़ाइन में दिया गया। सामने आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक कुछ एक्सेंट्स मिल जाते हैं नीचे और यहाँ पे फोग लैंप हाउसिंग मिल जाएगी। और अभी साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड प्रोफाइल से भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। जो ये बॉडी लाइन रन होते हुए आती पीछे से, इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। बिल्कुल काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन मिल जाता है आपको साइड प्रोफाइल से भी। अभी व्हील्स की बात करें, व्हील्स में आपको यहाँ पे स्टीलिंग मिलेंगे विद व्हील कवर्स। ये कुछ ऐसा डिज़ाइन दिया गया कि आपको यहाँ पे एलॉय व्हील लगे, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन मिल जाता है आपको ये भी। इसके साइज़ की बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 175/65 R14 इंचेस के मिल जाते हैं आपको व्हील्स। एंड टर्न इंडिकेटर्स वारियंस मिलेंगे, वारियंस आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ पे बॉडी कलर मिल जाएंगे। ऊपर आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज का एंटीना मिल जाता है और जो ये ए और सी पिलर्स हैं वो बॉडी कलर मिल जाते हैं। हालांकि जो ये बी पिलर है ये आपको मैट फिनिश में दिएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सबसे पहले तो मैं हिमगिरी टाटा का स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा। ये शोरूम मानेसर में लोकेटेड है। पर्सनल व्हीकल से लेकर कमर्शियल व्हीकल तक पूरी रेंज देखने को मिल जाएगा आपको हिमगिरी में। एंड अब बैक टू द वीडियो। अभी बैक प्रोफाइल की बात करें, बैक प्रोफाइल से मैं सही बताऊं तो मतलब जो फ्रंट एंड साइड प्रोफाइल के लुक्स हैं वो उसमें आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं, लेकिन जो बैक प्रोफाइल का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए आ जाता है। बैक प्रोफाइल का डिज़ाइन ऐसा भी नहीं है कुछ ज़्यादा बुरा, मतलब अच्छा ही है भी, बट आपको यहाँ पर थोड़े से नॉर्मल लुक्स देखने को मिलते हैं। टेल लाइट्स की बात करें, टेल लाइट्स आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी मिल जाएंगी। यहाँ पर इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट सब कुछ रिफ्लेक्टर बेस्ड है। रियर बम्पर के ऊपर आपको यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और रियर बम्पर भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी टियागो की बैजिंग, टाटा का लोगो, नीचे आपको यहाँ पे की होल मिल जाता है। ये की होल क्यों दिया 2023 में ये क्यों पता नहीं है मेरे को बिल्कुल भी। जो विंडशील्ड है इसके ऊपर नई वाइपर दिया गया, नहीं आपको डिफोकर मिलेगा। और यहाँ पे आपको साइड में कुछ ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाएगी एंड हाई स्टॉप लाइन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी बूट डोर को ओपन करते हैं। हाँ तो बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस देखने को मिल जाएगी टियागो में भी। ये साइड में लेकिन जो कटआउट मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के दिए गए हैं, आप देख सकते हैं जो सस्पेंशन के कटआउट है साइड में। ठीक है, फिर भी आपको यहाँ पर डिसेंट स्पेस देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको यहाँ पे हुक्स मिल जाएंगे दोनों साइड्स और यहाँ पे आपके पास ट्रे भी दी गई है। स्पेयर व्हील की बात करें, स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे सेम साइज़ का देखने को मिल जाएगा। और बूट डोर के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ इंसुलेशन मिल जाती है डोर पकड़ने के लिए, आपको यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाएगा इसको। वेल, यही सब था यहाँ पे बताने के लिए, अब चलते हैं अंदर। सो चलिए हम देख लेते हैं टियागो का इंटीरियर। सो आपको यहाँ पे ब्लैक एंड कुछ ग्रे का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, डिसेंट लुक्स के साथ देखने को मिल जाएगा आपको इंटीरियर भी। अभी डोर पे दिए गए कंट्रोल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप मिलेंगे पावर विंडोज के कंट्रोल, ऑल पावर विंडोज मिल जाती है विद ड्राइवर साइड ऑटो पन ऑन फीचर। यहाँ पे आप मिल जाए टाइल लॉक बटन, नीचे आपको यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है डोर को पकड़ने के लिए। एंड डोर पे यहाँ पे कहीं पे भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता, फैब्रिक
सॉफ्ट टच तो क्या फैब्रिक भी नहीं मिलता, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, ये स्पेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम दिया गया, लेकिन आपको वहाँ पे स्पीकर मिल जाएगा और यहाँ पे डोर के ऊपर आपको जो ये कंट्रोल्स मिलते हैं ये ओरियंस के, ओरियंस आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएंगे लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं दिए गए। डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे कभी स्पेस मिल जाएगा एंड ऊपर जो ये एसी वेंट्स मिल जाते हैं इसके ऊपर आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाएगी विद क्रोम फिनिश। और अब स्टीयरिंग व्हील की बात की तो स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे फ्लैट बटन मिल जाएगा, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, वॉल्यूम और ट्रैक के कंट्रोल मिल जाते हैं, कॉल वगैरह के मिल जाएंगे। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये टिल्ट एडजस्टेबल तो मिलता है लेकिन ये एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, नीचे भी कर दिया है। हाँ तो आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, ये थोड़ा सा ढंग से ओपन नहीं हुआ था उसकी वजह से नहीं हो रहा था नीचे। अभी स्टीयरिंग की बात तो होगी, यहाँ पे क्लस्टर की बात की जाए तो आपको यहाँ पे फुल्ली डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा टैकोमीटर, बीच में MID और राइट साइड आपको मिल जाएंगे कूलेंट टेम्परेचर एंड फ्यूल गोज। वेल इंपोर्टेंट ये क्लस्टर तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन में दिया गया, इसके अराउंड आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश भी मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल, राइट साइड आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। और अभी इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है क्लश इंफोटेनमेंट। यहाँ पे आपको किसी भी टाइप के गिमिक या फिर प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलते, यहाँ पे ब्लूटूथ ही मिलेगा आपको सिर्फ इसको सपोर्ट करने के लिए और कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे वॉल्यूम कंट्रोल, राइट साइड आपको यहाँ पे पावर एंड ब्लूटूथ वगैरह कंट्रोल्स मिल जाते हैं, नीचे आपको यहाँ पे होम एंड ट्रैक के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये पूरे सिस्टम के अराउंड आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे आपको हज़ार नंबर बटन मिल जाएगा और ऊपर आपको यहाँ पे एसी वेंट्स के ऊपर क्रोम फिनिश भी दी गई है। और यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे एसी के कंट्रोल्स, मैनुअल एसी मिलता है आपको एक्सटी वेरियंट में, लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे मोड, बीच में फैन स्पीड और राइट साइड आपको यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है। नीचे एसी ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे सर्कुलेशन वगैरह मिल जाएंगे और यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएंगे USB पोर्ट और 12V सॉकेट। और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े साइज़ का स्पेस देखने को मिल जाता है सेंटर कंसोल में, काफ़ी बड़े फ़ोन भी यहाँ पे आसानी से आ जाएंगे। अभी गियर लीवर की बात की, गियर लीवर के ऊपर आपके यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है और ये इसके अराउंड आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक फिनिश देखने को मिलेगी, ठीक है डिसेंट फिनिश में मिल जाता है। और ये 5-speed मैनुअल का यूज़ किया गया इसके ऊपर, मतलब 5-speed मैनुअल यूज़ किया टियागो में। इसके अराउंड आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे आपको 2 cup होल्डर्स मिल जाएंगे, कुछ स्पेस मिल जाता है कॉइन वगैरह रखने के लिए, बोटल होल्डर मिल जाता है, मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगी जिसकी टिप आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में दी गई है, मैनुअल डिमिंग एरर मिल जाता है आपको यहाँ पे एक्सटीवेरियन में एंड सन वाइजर के ऊपर यहाँ पे मैनेजमेंट दिया गया। और सन वाइजर कुछ इतना ब्लॉक कर लेता है विंडो को, हालांकि ये 1/3 विंडो को छोड़ ही देता है, ठीक है लेकिन डिसेंट ब्लॉक कर लेता है। ऊपर आपको यहाँ पे रिट्रैक्टेबल ड्राइव हैंडल्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं कैसे रिट्रैक्ट हो रहे हैं। और ड्राइवर साइड यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया, ऊपर आपको यहाँ पे माइक भी मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स की बात की तो ग्लव बॉक्स में आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्पेस देखने को मिल जाता है, ऊपर आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको कुछ और स्पेस मिल जाएगा। वेल काफ़ी बढ़िया स्पेस देखने को मिल जाता है आपको ग्लव बॉक्स में और ये आपको सॉफ्ट ओपनिंग मिल जाती है, आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी बढ़िया प्रीमियम लगता है। फ्रंट सीट्स की बात करें, फ्रंट सीट्स के एडजस्ट आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाते हैं और ये फ्रंट सीट्स जो एक कोर ड्राइवर सीट है इसमें आपको यहाँ पे 6 एडजस्टमेंट्स देखने को मिल जाती है, बट जो ड्राइवर सीट है उसमें आपको 8 एडजस्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं क्योंकि उसमें आप ड्राइवर सीट में आपको यहाँ पे हेड एडजस्टमेंट भी दी गई है। हाँ तो अब रियर डोर पे देखिए फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पावर विंडो कंट्रोल, डोर पकड़ने के लिए स्पेस, प्लास्टिक डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, नीचे आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर एंड कुछ स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे स्पीकर दिया गया। और गाड़ी में दिए गए कैबिन स्पेस की बात करें तो आपको यहाँ पे वेल डिसेंट स्पेस देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं ठीक है नॉर्मल स्पेस मिल जाता है, लेग रूम एंड नी रूम आपको यहाँ पे डिसेंट मिल जाएंगे और जो थाई सपोर्ट है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। ऊपर आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है जो कि LED बेस्ड है, पूरी गाड़ी में सिर्फ एक ही लाइट दी गई है यहाँ पे दोनों रोज के लिए। और यहाँ पे रिट्रैक्टेबल ड्राइवर हैंडल्स मिल जाते हैं रूफ पे एंड जो रियर सीट्स है उसके एडजस्ट आपको इंटीग्रेटेड मिलेंगे और रियर सीट्स पे यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग आराम से बैठ पाएँ कंफर्टेबली, क्योंकि जो गाड़ी की वीड था इतनी ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ पाएँ। और अब टियागो में देखे इंजन की बात की तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1.2 liter का नेचुरली एस्पिरेटेड 3-cylinder इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस कर देता है 32 BHP पावर और 113 Nm ऑफ टॉर्क, काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर देता है इंजन। और बोनट आपको यहाँ पे इंसुलेटेड मिल जाएगा,
सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।